ज्ञानवापी सर्वे पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कल अदालत ने लगाई थी अंतरिम रोक। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर एएसआई के एक्सपर्ट कोर्ट में हुए थे तलब। दिल्ली और मुंबई में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते मुंबई में सभी स्कूल आज बंद। ठाणे, रायगढ़ और पालघर में भी ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ी राज्य हिमाचल में अगले तीन दिनों तक आसमानी कहर रहेगा जारी। सलमान को धमकी देने वाले गैंगस्टर विक्रम बराड़ को एनआईए ने यूएई से किया गिरफ्तार। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल था बराड़। हत्या वसूली समेत 11 मामलों में वॉन्टेड। गैंगस्टर दुबई से चला रहा था लॉरेंस गैंग। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने किया तीसरी बार सरकार बनाने का दावा। दिल्ली के प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में बोले, हमारे तीसरे टर्म में टॉप 3 इकोनॉमी में रहेगा भारत। राजस्थान और गुजरात को पीएम मोदी देंगे मेगा सौगात। 5 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन और 7 मेडिकल कॉलेजेस की रखेंगे आधारशिला। किसान सम्मान निधि के तहत 17,000 करोड़ की 14वीं किस्त भी जारी करेंगे। गुजरात के राजकोट में 860 करोड़ में तैयार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को करेंगे समर्पित। आगरा की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर हो सकता है मन कामेश्वर मंदिर स्टेशन। हाई स्पीड मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ करने आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए संकेत। फरवरी 2024 तक आगरा मेट्रो की शुरुआत कर दिया भरोसा।